करते हैं झारखंड की ओर, जहां 17 को आएगी निर्वाचन आयोग की टीम और 20 के बाद घोषणा होगा। जी, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम 17 अक्टूबर को रांची आएगी और 17 और 18 अक्टूबर तक टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। और साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं एक दूसरे पर हमलावर लगातार दिखाई दे रही हैं। भाजपा की अगर बात की जाए तो जन जौहर यहाँ पर जो यात्रा है, जन जौहर आशीर्वाद यात्रा, वो लगातार सीएम रघुवर दास जो है कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में जाके वो जनसभा को बोधित कर रहे हैं और वहां से जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना काम उनकी सरकार ने किया है और साथ ही उनकी सरकार दूसरी राजनीतिक पार्टियों से किस तरीके से सही है। और लगातार वार पलटवार का जो सिलसिला है वो यहां पर जारी है। और वहीं आपको बता दें कि इसको देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने यहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे से मांग की है कि 228 विधानसभा वाले जब महाराष्ट्र में जब एक ही दिन में चुनाव हो सकता है तो फिर झारखंड में एक ही दिन में चुनाव क्यों नहीं कराया जा सकता। उनके साथ ही इनका कहना है कि इससे लगातार जितनी भी पार्टियां हैं और साथ ही जो जनता है उन्हें कम परेशानी होगी। तो यहां पर चुनाव को एक ही दिन में कराने की मांग भी की जा रही है। तो इस पर अब देखना यह होगा कि निर्वाचन आयोग किस तरीके से इस पर आगे